नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में कल हमने देख लिया था 50 तक। अगर उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लीजिए। 50 तक क्या, इसके पहले जो है करीब मुझे लग रहा है कि ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की समथिंग जो है 15 वीडियो जो है करीब करीब अपलोड कर दी गई है, तो उसे नहीं देखा है तो उसे जाके देख सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी है और प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, उसे भी जाके देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी है, तो चलिए देख लेते हैं आज के इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि आपके लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप सभी को पता है, आप क्वेश्चन को देखिएगा पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितने महत्वपूर्ण और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इन क्वेश्चन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आईएलए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आईएलए की स्थापना जो है प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है 52, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल में कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि आईएलए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आईएलए है, का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एम ओ थॉमस था, थे माफ कीजिए थे 54 है, एम ओ थॉमस और आईएलए का अध्यक्ष कब तक बने तो ये 1933 से 1937 तक ये आईएलए के अध्यक्ष रहे। अगला है, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो एसी बुलनर थे। अगला है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम सचिव कौन था? तो के एम असदुल्ला, और ये के एम असदुल्ला जो थे ये इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। अगला प्रश्न है, आईएलए का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुखर्जी नगर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, आईएलए का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कोलकाता में। 59 है, आईएलए इफला का सदस्य कब बना? राइट आंसर 1957। 60 है, आईएलए फिड का सदस्य कब बना? 1952 में। 61, आईएलए का पहला आजीवन सदस्य कौन था? आंसर है रंगनाथन। 62 है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि आईएलए का प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है 63 नंबर, आईएलए की पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1942 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी बुलेटिन को बंद कर दिया गया 1946 में। 65 है, अबगिला का पूर्व नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। 66 है, अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? 1949 में। 67, अबगिला को बंद कब से कर दिया गया? 1953 से। 68, अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो अबगिला का पूरा नाम एनालिस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ आईएलए। 69, आईएलए की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? 1984 में। 70 है, आईएलए बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? आईएलए करता है। 71, आईएलए बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? आंसर 1965 में। 72 नंबर, आईएलए बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक है। 73, आईएलए बुलेटिन का नाम नया नाम परिवर्तित करके जिला बुलेटिन कब कर दिया गया? तो 2011 में। अगला प्रश्न है, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन है। 75 नंबर है, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो आईएलए करता है। 76 नंबर है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि आईएलए की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो आंसर है जिला बुलेटिन। अगला प्रश्न है 77, जिला बुलेटिन क्या है? तो एक सहकर्मी परीक्षा पत्रिका है। अगला है
78 भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA की कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करता है? तो आंसर है जिला बुलेटिन में। अगला है 79 रंगनाथन ILA का अध्यक्ष कब बना था थे माफ कीजिए थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए टाइपिंग है ध्यान दीजिएगा माफ कीजिए 1944 से 1953 तक। अगला प्रश्न है ILA का वर्तमान में यानी कि 10/12/2021 इसको मैंने जब टाइपिंग किया इस मैटर को ये उस डेट का है 10/12/2021 माफ़ कीजिएगा ILA का वर्तमान में यानी कि 10/12/2021 का अध्यक्ष कौन है तो BD कुंबर है। ये मैंने उस दिन टाइप किया था अभी भी यही है ये भी ध्यान रखिएगा। 81 नंबर है वर्तमान में ILA न्यूज़लेटर का मुख्य संपादक कौन है तो मुजलिम मुस्तक। 81 नंबर ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी तो 14 से 16 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई 1912 में WA बोर्डन के द्वारा बड़ौदा में। अगला प्रश्न है 82 नंबर लाइब्रेरी मिसलेनी की आवृत्ति क्या थी त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है 83 नंबर लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किन भाषाओं में प्रकाशित हुई थी तो राइट आंसर है अंग्रेजी गुजराती व मराठी भाषाओं में। अगला प्रश्न है 84 नंबर UK में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन सा था तो लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप और यहीं पे रंगनाथन महोदय जो है अपना लाइब्रेरियन का कोर्स करने के लिए यहीं पे गए थे। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर USA में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन सा था तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न है 86 ई बुक का ऑथर कौन है स्टीफन किंग। अगला प्रश्न है 87 लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था तो SR रंगनाथ मॉडल के द्वारा। अगला प्रश्न है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कब तैयार किया तो राइट आंसर है 30 सितंबर 1930 को। अगला है 89 मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कहाँ पारित किया था राइट आंसर है बनारस में। अगला प्रश्न है 90 मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने किस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया तो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ये ऑफ लिखा है ऑल है ये ठीक है। अगला प्रश्न है 91 ILA ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया तो 1991 में। 92 है प्रथम अखिल भारतीय माफ़ कीजिए दोस्तों प्रथम अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन कहाँ हुआ था तो वाराणसी में या बनारस में। 93 है रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में कितनी बार संशोधन किया 2 बार। 94 है रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में 2 बार संशोधन कब कब किया तो आंसर है 1957 और 1972 में। अगला प्रश्न है 95 रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी बिल पश्चिम बंगाल की विधायिका में किस वर्ष पेश किया गया आंसर है 1931 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी बिल को मद्रास की विधायिका में किस वर्ष प्रस्तुत किया राइट आंसर 1933 में। अगला प्रश्न है मॉडल लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी तो डॉक्टर वेल्गा वेन काल्टिव ने अगला प्रश्न है 99 मॉडल लाइब्रेरी बिल में कितनी बार संशोधन किया गया तो 3 बार। कब कब किया गया था ये भी देख लीजिए पहला संशोधन 1995 में दूसरा संशोधन 2000 में और तीसरा संशोधन 2005 में यानी कि ये सीक्वेंस से है 3 बार किया गया था ध्यान रखिएगा। और 100 और आज का अंतिम प्रश्न है यूनियन लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी तो SR रंगनाथन ने किया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में ख्याल रखिए धन्यवाद।